आरसी एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल तक हमने यानी कि संज्ञा पढ़ी थी, उसकी परिभाषा पढ़ी थी और उसके दो रूप पढ़े थे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आज हम भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय जैसे गुण दोष किसी व्यक्ति में अगर कोई गुण है उसको गुणों के बारे में बताना, अगर उसमें कोई कमी है उसके दोष के बारे में बताना, ये कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। अवस्था किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब ये देख तो क्रिया के मूल रूप होते क्या हैं, जैसे भाई लिखना है, पढ़ना है, जैसे पढ़ना है क्रिया हो गई पढ़ना, लेकिन इसका मूल रूप जो होता है वो होता है पढ़। ये किसमें आते हैं? लिखना है, उसका मूल रूप क्या हो गया? लिख हो गया। इसी प्रकार जो क्रिया के मूल रूप होते हैं वो उसमें भी कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति के जैसे मित्रता, इसके क्या है ये उदाहरण है, इसके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसी व्यक्ति के अगर गुण है, कोई ईमानदार है, जैसे ईमानदारी, सुंदरता, बुद्धिमान, जो भी उसमें गुण होते हैं, किसी भी व्यक्ति के गुण हो तो उसको क्या कहते हैं? कौन से उसमें आते हैं? ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और जैसे अवस्था भी, कोई मोटा है, मोटापा, अमूर्त, जो भी क्रिया का अमूर्त भाव मूल रूप होता है वो किसमें आते हैं? जैसे भी बचपन, बच्चा है, बच्चे का क्या हो गया? बचपन हो गया, लड़कपन हो गया, जवानी, बुढ़ापा, जो भी होते हैं वो कौन से संज्ञा में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसमें देखो इसके उदाहरण, कायरता आदि। अब हम ये देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा है वो कौन कौन से शब्दों के द्वारा बनती है। जो भाववाचक संज्ञा है वो पांच प्रकार के शब्दों के द्वारा बनती है, कि कौन कौन से शब्दों के द्वारा जो भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा की जो रचना है पांच प्रकार के शब्दों द्वारा होती है। जो भाववाचक संज्ञा की जो रचना है वो पांच प्रकार के प्रकार के शब्दों द्वारा होती है। अब ये पांच प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम क्या बनाते हैं? भाववाचक संज्ञा। पहला है जातिवाचक संज्ञा के द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा जो जिस भी शब्द में अगर जातिवाचक संज्ञा है उससे हम कौन सी संज्ञा बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे विनीश में ही है मित्र, जो मित्र शब्द है, जो मित्र शब्द है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और अगर हम इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें मित्र का मित्रता हो जाएगा। शत्रु है, शत्रु का शत्रुता हो जाएगा। जैसे बच्चा है, बच्चा कौन सा है? इसमें कौन सी संज्ञा है? बच्चे में कौन सी संज्ञा है? इसमें जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे इसकी तो ये क्या बन जाएगा? बचपन। लड़के से लड़कपन हो गया, ऐसे ही पशु से पशुता, तो ये किसके द्वारा हो गई? जातिवाचक संज्ञा द्वारा क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। और दूसरी जो जातिवाचक, एक तो जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनती है, और अब दूसरा देखो किसके द्वारा बनती है? सर्वनाम शब्दों के द्वारा भी क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। अगर कोई सर्वनाम शब्द दिया हुआ हो और उससे
हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है तो उसके द्वारा भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है और सर्वनाम शब्दों के द्वारा भाववाचक संज्ञा बनती है, क्रिया के द्वारा भाववाचक संज्ञा बनती है और अवयव जो होते हैं उनके द्वारा भी भाववाचक संज्ञा बनती है। मैं आपको बता रही हूँ और दो दो तीन तीन उदाहरण भी लिखवा रही हूँ ताकि किस किस से पहले हमने बना लिया था कि भाई जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के द्वारा भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण या भाववाचक संज्ञा का संज्ञा की रचना किस प्रकार होती है? भाई सर्वनाम है, सर्वनाम क्या हो गया, जैसे सर्व हो गया, जैसे सर्व, सर्व क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, तो इससे क्या भाववाचक संज्ञा बन गई सर्वस्व। निज, निज में भी भाववाचक संज्ञा, सॉरी जो निज है, निज क्या है, सर्वनाम है और इससे भाववाचक संज्ञा अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगी इसमें, निजता। अपना, अपना हम, तो इस प्रकार सर्वनाम शब्दों के द्वारा भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। इसी प्रकार विशेषण शब्दों के द्वारा भी, विशेषण शब्दों के द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे विशेषण है, किसी व्यक्ति का गुण है, किसी की हम विशेषता बता रहे हैं, ईमानदार है, मान लो ईमानदार क्या है, विशेषण है, किसी व्यक्ति की विशेषता है और हम इससे अगर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो ईमानदार भी क्या बन जाएगा, ईमानदारी। ईमानदार से क्या बन गया, ईमानदारी बन गया, ठीक है। इसी प्रकार अच्छा, कोई व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा उसका गुण है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण हो गया और इससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छाई। कोई व्यक्ति अगर बुरा है तो उसकी जो विशेषता है वो क्या है कि भाई वो बुरा आदमी है, बुरा इंसान है, इससे हम अगर जाति और सॉरी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, बुराई। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना ली हमने, सर्वनाम शब्दों द्वारा भाववाचक संज्ञा बना ली, विशेषण शब्दों के द्वारा भाववाचक संज्ञा बना ली, अब है क्रिया के द्वारा, क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा बना। अब कोई भी क्रिया जैसे पढ़ना है, पढ़ना क्रिया है, इससे बन गया पढ़ाई। लिखना है, लिखना से बन गया लिखावट। तो इसी प्रकार और इसके बाद में है अवयव, यानी कि अवयव द्वारा भी भाववाचक संज्ञा बनती है। अवयव द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना, संज्ञा का निर्माण। अब जैसे अवयव, अवयव ऊपर नीचे, ठीक है, तो ऐसे ही जो अवयव होते हैं, जैसे पहला ले लो ऊपर, तो इससे हम भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनेंगे, ऊपरी। जैसे किसी भी चीज़ का हम ऊपरी भाग बनाते हैं, या ऊंचाई, ऊंचा से होता है ऊंचाई और ऊपर से ऊपरी,
नीचा से नीचाई, शीघ्र, शीघ्र से क्या बन गया है, शीघ्रता। ठीक है, इसी प्रकार हम पांच, इस बात को ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आए भी तो आप घबराना मत। और आपको बताना है कि जो भाववाचक संज्ञा है वो पांच प्रकार के शब्दों द्वारा बनती है, या भाववाचक संज्ञा का निर्माण पांच प्रकार के शब्दों द्वारा होता है। कौन कौन से शब्दों द्वारा? जातिवाचक संज्ञा के द्वारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, सर्वनाम शब्दों द्वारा, विशेषण शब्दों द्वारा, क्रिया के द्वारा और अवयव के द्वारा। ठीक है, आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको बता देती हूँ कि जो हमने अभी बताया है, ठीक है, मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो है कि भाववाचक संज्ञा की रचना, भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार के शब्दों द्वारा होती है। तथा प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। ये आपका क्या है, होमवर्क है। आपको भाववाचक संज्ञा कौन कौन से शब्दों द्वारा बनानी है उसके बारे में लिखना है, उस संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, थीके?